जो बेंचमार्क परिकर साहब ने जो सेट किया है, मुझे मालूम है परिकर साहब हमारे बहुत बड़े नेता हैं। परिकर साहब की जरा जिस तरह से काम करते हैं उस तरह से काम करना इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, ये भी मुझे मालूम है। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेंगी कि जितना ज़्यादा हो सके, जितना अच्छा हो सके स्टेट के लिए करना, ये मेरा कर्तव्य रहेगा और उसी के ऊपर मेरा काम आगे बढ़ जाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिरकार जो है विजय सरदेसाई गोवा फॉरवर्ड पार्टी के, इन्होंने शपथ ली है मंत्री पद की और निश्चित तौर पर जो है उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो ग्रहण करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो विजय सरदेसाई जी। सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, अब आगे की राह जो है कितनी मुश्किल आपको नजर आती है बताओ उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करने के बाद, क्योंकि जो लीगेसी पीछे छोड़ के गए परिकर साहब, जो बेंचमार्क सेट करके गए हैं वो अब आगे उससे टच कर पाना इतना आसान नहीं होगा। नहीं, जो परिकर जी का जो को रिप्लेस किया है वैसा परिकर जी को रिप्लेस करने के लिए और जो बेंचमार्क उन्होंने सेट किया है वो हमको पहुंचने के लिए इतना इजी नहीं होगा, वो हमको मालूम है। पर एक चैलेंज है जो उन्होंने काम शुरुआत की थी, वो काम हम आगे लेना और वो कंप्लीट करना एक चुनौती है और वो चुनौती हमने स्वीकार की है। हम ये सरकार में शामिल हुए हैं गोवा को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देने के लिए। गोवा शुड नॉट बी फेमस फॉर द रॉन्ग रीजंस, कि गोवा में जो आया राम गया राम का राजनीति है ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए वो स्टेबिलिटी देना हमारा कर्तव्य होता है और इसके लिए हम एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि अब लोग ये भी कह रहे हैं कि 40 सीटों का एक राज्य गोवा, यहाँ पर आखिर दो दो उप मुख्यमंत्री जो हैं, ये जो इक्वेशन है लोगों को। गोवा में एक पोस्ट पोल अलायंस हुआ था, ये पोस्ट पोल अलायंस गोवा को प्रगति के ओर पे लेने के लिए हुआ था। ये सेंटर से अच्छा कोऑर्डिनेशन करने के लिए उस टाइम का डिफेंस मिनिस्टर को हमने चीफ मिनिस्टर करके बनाया था इधर। तो ये सब आगे अगर लेना है तो ये जो डिस्पेरेट पॉलिटिकल एंटिटीज है उनको रिप्रेजेंटेशन देके एक बैलेंस ऑफ पावर रिटेन करना जरूरी है। मुझे लगता है ये होने से गोवा में स्टेबिलिटी आएगी। और इसके पहले भी प्रेसिडेंस गोवा में दो बार है कि गोवा को दो दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुए थे और कांग्रेस के टाइम में हुए थे, तो ये नई बात नहीं है जी, ये आपके लिए नहीं होगी, गोवा के लिए नहीं। लेकिन एक आखिरी सवाल इस पर ये भी पूछना चाहूंगा कि आप ये भी जो है गोवा की जनता को, देश की जनता को जो है ये प्रॉमिस करना चाहेंगे कि आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर इस तरीके की जो इक्वेशंस हो वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल नहीं होती या फिर कई बार मतभेद होते हैं, लेकिन इसको लेकर हम स्टेबिलिटी के लिए ही एक गवर्नमेंट में शामिल हुए हैं। तो आपको ये जो भ्रम है वो मुझे लगता है इट्स अनफाउंडेड। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये है विजय सरदेसाई जो यकीन दिला गए, विश्वास दिला गए कि किसी तरीके का कोई मतभेद जो है उनकी सरकार में नहीं होगी और उनकी जो सरकार है वो एक स्टेबल सरकार के तौर पर अपना काम करती रहेगी। कैमरा पर्सन प्रकाश चौहान के साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया गोवा।